नमस्कार, आप सभी का स्वागत है प्रभात एग्जाम के यूट्यूब चैनल में। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है, इसके वास्ते ये तन है, मन है और प्राण है। इसकी आन पे अगर जो बात कोई आ पड़े, इसके सामने जो जुल्म के पहाड़ हों खड़े, शत्रु सब जहान हो, विरुद्ध विधि विधान हो, मुकाबला करेंगे जब तक जान में ये जान है। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान है। हमारा देश, हमारी जन्मभूमि ब्रह्मांड में स्थित हर खूबसूरत स्थान से अधिक खूबसूरत और महान है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस जीवन में एक व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी नौकरी अथवा एक अच्छा जीवन साथी? आप सोच रहे होंगे ना कि देखा जाए तो जीवन में एक व्यक्ति के लिए ये सभी तो महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप जानते हैं कि इन सबसे भी महत्वपूर्ण एक और चीज़ है। क्या? आज़ादी। जी हाँ, अगर आप धनी, संपन्न और पूर्ण स्वस्थ हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं हैं, तो आपके लिए सब बेकार है। जब पृथ्वी पर व्यक्ति के लिए आज़ादी की श्वास ना हो तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। गुलामी का जीवन बेहद नारकीय होता है। हमारा भारत देश सदियों तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा। अंग्रेज़ों ने यहाँ पर मनमाना शासन किया और भारतीयों को अनेक प्रताड़नाएँ दीं। अंग्रेज़ हमें इंसान नहीं समझते थे, वे हर भारतीय के साथ पशुवत व्यवहार करते थे। किसी को भी अपने विचारों को सामने रखने का अधिकार नहीं था। अंग्रेज़ों ने भारत में अपना व्यापार फैलाया और भारतीयों को बंधक बनाकर उनसे गुलामों की भांति कार्य कराया और हमारे यहाँ की संपत्ति को विदेशों में ले जाकर रख दिया। जब भारतीयों ने अंग्रेज़ों के इन अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाई तो उन्हें फांसी की सज़ा दे दी गई या फिर उनके जिस्म को छलनी छलनी कर दिया गया। अनेक निर्दोष भारतीयों और क्रांतिकारियों के रक्त से गुजर कर हमें यह स्वतंत्रता मिली है। जब समूची जनता अंग्रेज़ों के अत्याचारों से त्रस्त हो उठी तो भारतीयता की डोर मजबूत हुई और जगह जगह जन आंदोलन होने लगे। अनेक प्रखर नेताओं, मंगल पांडे, तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, महात्मा गांधी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री आदि के कार्यकलापों से अंग्रेज़ों की आंखों में खून उतर आया। उनके प्रयासों और कार्यकलापों से अंग्रेज़ों को कहीं यह एहसास हो गया था कि उनकी मनमर्जी अब ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। युवा ब्रिगेड और अनेक आंदोलनों ने जन जन को उग्र बना दिया था। अब हर भारतीय स्वतंत्रता की आस में सांस लेने के लिए मचलने लगा था। भारत की आज़ादी की लड़ाई सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से लेकर वर्ष 1947 तक चली। वर्ष 1947 में 15 अगस्त का दिन विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया, जब भारत देश को पूर्णकालिक स्वतंत्रता प्राप्त हुई और देश अंग्रेज़ों की गुलामी से मुक्त हुआ। इसके बाद सन 1950 में भारत का अपना संविधान बना और लागू हुआ। इस संविधान में हर भारतीय को उड़ने के लिए पंख प्रदान किए गए, उन्हें खुली सांस में रहने के अवसर मिले। आज देश को स्वतंत्र हुए 72 वर्ष हो चुके हैं। इन वर्षों के दौरान हमारे देश ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, कृषि, विनिर्माण, शिक्षा, तकनीक और अनेक क्षेत्रों में नए नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। स्वतंत्रता के कारण ही आज हिमा दास, MC मैरीकॉम, PV सिंधु, साइना नेहवाल, साक्षी मलिक एवं कृष्णा पोनिया जैसी खिलाड़ियों ने विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। स्वतंत्र भारत में आज हर योग्य एवं प्रतिभाशाली भारतीय ने विश्व के पटल पर भारत की एक नई पहचान विकसित की है। एक ऐसे भारत की जो सशक्त है, आत्मनिर्भर है, संपन्न है और जिसकी संस्कृति अत्यंत महान है। स्वतंत्र भारत में किसी एक धर्म को मान्यता नहीं मिली है, अपितु यहाँ पर सभी धर्मों को माना जाता है, पूजा जाता है और सभी को समान समझा जाता है। विविध संप्रदाय के लोग यहाँ पर मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्यौहारों को पूरे भाईचारे के साथ मनाते हैं। हमारे देश की अनेकता में एकता और संस्कृति बहु देशों के लिए एक मिसाल है। स्वतंत्रता के 72 वर्षों के सफ़र के दौरान भारत ने मिसाइलों से लेकर मंगल तक की यात्रा की है। इस दौरान महिलाओं की भूमिका भी बेहद सराहनीय रही है। इनमें टेसी थॉमस,
ऋतु करिधार श्रीवास्तव एवं वनिता महत्वपूर्ण हैं। स्वतंत्र भारत में एक निर्धन व्यक्ति अपनी प्रतिभा एवं योग्यता के बल पर विश्व के सर्वश्रेष्ठ अवसरों को प्राप्त कर सकता है और अपनी मेहनत से शिखर पर पहुंच सकता है। दोस्तों, यह स्वतंत्रता की ही तो ताकत है कि आज देश में एक चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंच सकता है और देश को महाशक्ति बनाकर विश्व के सामने रख सकता है। स्वतंत्र भारत में आज हर नागरिक के लिए समान अवसर हैं। अब कोई भी बाधा व्यक्ति की शिक्षा में आड़े नहीं आ सकती। स्वतंत्र भारत में सरकार ने किसानों से लेकर श्रमिकों तक को इतने अधिकार प्रदान किए हैं कि वे सहजता से हर वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी मनचाही जीविका को तलाश कर सकते हैं। बस अब सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ हर भारतीय कदम बढ़ाएं तो 130 भारतीयों के कदम एक साथ आगे बढ़कर स्वतंत्र भारत की इस पहचान को अमिट बना सकते हैं और देश का एक नया स्वर्णिम इतिहास रच सकते हैं। आओ मिलकर भारत को सशक्त बनाएं, स्वतंत्रता के बल पर इसे विश्व में अग्रणी बनाएं। जय हिंद।